नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। तेल के दामों की बढ़ोतरी को लेकर के 10 सितंबर को कांग्रेस ने जब बंद का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे। हरियाणा में इनेलो के बंद को शनि ने बिल्कुल विफल बताया। राजकुमार शनि कोई गाय नहीं है जिसे बीजेपी ने अपने खूंटे से बांध कर रखा है। 4 साल में एक बार भी कुरुक्षेत्र लोकसभा की समस्याएं उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने नहीं रखी। हरियाणा के राज्य मंत्री नायाब शेनी का बड़ा बयान। शेनी ने कांग्रेस व इनेलो के साथ भारी लोगों के साथ हाथ मिलाकर के हरियाणा का भाईचारा खराब किया है। आप देख रहे हैं केथल पलपल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। हमने तो उसके रस्से खोल दिए, वो जहां मर्जी जाए, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दे करके सांसद चुना था और सांसद जब लोग चुनते हैं, जनता ने चुना था, कुरुक्षेत्र की जनता ने चुना था उसको सांसद, इसलिए चुना था कि हमारा नुमाइंदा, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो और यहाँ पर कोई इस प्रकार के कार्य होते हैं कि उन समस्याओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रख करके उनका समाधान कराएंगे। जैसे मैं नारायणगढ़ से मैं विधायक चुना हूँ, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं अपने विधायक के प्रति, इसी प्रकार से सांसद के प्रति अपेक्षाएं होती हैं। तो मुझे वहां से चुना गया इसलिए कि हमारे क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री से कह करके उनको सॉल्व करवाएंगे। और मैंने उन सारी समस्याओं को, जो भी समस्याएं लोगों ने मेरे ध्यान में कराई हैं, उन समस्याओं को मैं मुख्यमंत्री जी के पास लेकर के गया, उनको समाधान करवाया, समाधान करवाने की कोशिश की। परंतु इसने तो एक बार भी यहाँ की कुरुक्षेत्र की एक ऐतिहासिक स्थल, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस सर्व सृष्टि के लिए, सर्व मानव जाति के लिए एक विकास का संदेश दिया, और यहाँ की बहुत सारी लोगों की समस्याएं भी थी, उन समस्याओं को लेकर के एक बार भी वो इन 4 वर्षों के अंदर वो प्रधानमंत्री जी को नहीं मिले कि मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, इसका समाधान किया जाए। सांसद या विधायक इसीलिए चुना जाता है ताकि उन समस्याओं का समाधान हो, परंतु उनमें कराने के अंदर नाकाम रहा और इधर उधर की बातें लेकर के वो लोगों को गुमराह करने के अंदर लगा रहा। तो इसके अंदर जो भाईचारा कुछ लोग और उसके साथ मिले, उन लोगों ने खराब किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के थे, चाहे इनेलो पार्टी के थे, चाहे वो बाहरी व्यक्ति यशपाल मलिक था, चाहे राजकुमार सैनी था, इन्होंने एक राजनीति को सर्वोपरि मानते हुए आम जन जनता के साथ धोखा किया है, उसका भाईचारा खराब करने का काम किया। और जो ये चुनाव है, इस चुनाव के अंदर इन सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमने क्या किया था और उसको उनको भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा जो इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ किया। शर्म दिवस हमने पिछले वर्ष भी मनाया था और इस वर्ष भी करनाल के अंदर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, विश्वकर्मा जयंती, उसके उपलक्ष्य पर। और क्योंकि भगवान विश्वकर्मा एक हमारे ऐसे इष्ट देव हैं, इससे बड़ा इंजीनियर इस दुनिया में नहीं है, और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और उस दिन सभी जितने भी श्रमिक हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये एक छोटा दुकानदार है जो पंचर की दुकान का काम करता है, या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या हवाई जहाज बनाने का काम करता है, ऐसे सब व्यक्ति भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, और उसकी जयंती के उपलक्ष्य के ऊपर हम एक सभी श्रमिकों का एक महासम्मेलन, उसको श्रम दिवस के रूप में हम करनाल के अंदर मना रहे हैं। और जो योजनाएं हैं श्रमिकों के हित में, पिछले वर्ष भी जब सोनीपत के अंदर उसको मनाया गया था, उससे पिछले वर्ष हंसी में मनाया गया था, लगातार हमारी सरकार इसको मना रही है। और श्रमिकों के हित में पिछले वर्ष सोनीपत के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं ऐसी की थी जिनका लाभ आज श्रमिक उठा रहे हैं और उन तक वो सुविधाएं पहुँच रही हैं। और अब की बार भी हमारी ये सोच है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो श्रमिकों के हित में, उनकी मजबूती के लिए, जो आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी एक विचार दे करके गए थे कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, पिछड़ा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति है, उसको समाज की मुख्यधारा में कैसे जोड़ा जाए, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। और उस दिन हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कुछ घोषणाएं श्रमिकों के वेलफेयर के लिए करवाने वाले हैं। पता नहीं है, क्योंकि कोई
मेरे ख्याल से व्यक्ति हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो सभी कर्मचारी उनको बाहर किया जाए, एकदम इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी भी जिससे कंट्रोल करना, क्योंकि हमने उसको जो कच्चे कर्मचारी थे ये बात कही थी कि बहुत बड़ा वर्ग उसके अंदर काम में लगा हुआ है और लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम कर रहा है, हित के लिए काम कर रहा है, परंतु अगर वो बाहर निकल गए तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना हो जाएगा। और उसके लिए क्योंकि सरकार ने विचार किया है कि वो ना निकले, उनका कोई ना कोई रास्ता खोजा जाए, रास्ता खोज करके उनको रखा जाए। सरकार की इस प्रकार की कोई मंशा नहीं होती है, वही बात है, सरकार कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर उनकी कोई किसी प्रकार की ग्रीवेंसेस है या कोई बात है, कोई उनकी मांग है, उस मांग को सरकार का एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रख करके उसका समाधान करती है, उनकी बात को भी सुनती है, उसके बीच के रास्ते भी निकालती है और हर वक्त सरकार बात करने के लिए तैयार रहती है, उसके अंदर सहयोग करना चाहिए। सर तो हमारे हरियाणा का एक पार्ट है, हमारा एक भाग है, वहाँ पर मोरनी हिल पहाड़ियों के अंदर एक स्थान है और अच्छा है, ऐसी जगह अगर रखेंगे तो टूरिज्म और बढ़ेगा, वहाँ पर लोगों में जिज्ञासा जगेगी कि हम भी जा करके वहाँ पर आए तो जो पिछड़ा क्षेत्र है उस पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा, जाना चाहिए ऐसे स्थानों के ऊपर।